बॉलीवुड ने मंगलवार को अभिनेता राजीव कपूर को अंतिम विदाई दी। भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 58 साल के थे। राजीव के निधन से कपूर परिवार और बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। वहीं तमाम सेलिब्रिटीज उनके अंतिम दर्शन के लिए चैंबूर स्थित उनके घर पहुंचे। इसमें शाहरुख खान भी शामिल थे। रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, बबीता, रणधीर कपूर, नीतू सिंह, आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, नील नितिन मुकेश और उनके पिता नितिन मुकेश भी वहां मौजूद रहे। अभिनेता रजा मुराद ने भी इस दुख की घड़ी में कपूर परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने राजीव कपूर को याद करते हुए कहा, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा दुख है। मेरा और चिंपू का साथ 41 साल पुराना है, जब वो राहुल रवेल को असिस्ट करते हैं। तो एज एन असिस्टेंट फिल्म गुनाहगार में, उसके बाद प्रेम रोग में, एक बिल्कुल साधारण असिस्टेंट की तरह वो फ्लोर साफ करते थे, वो ट्रॉली चलाते थे, वो वर्कर्स के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ खाते पीते थे। कभी उनको देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये कितने बड़े परिवार का एक लाडला बेटा है। वर्कर्स के साथ रहते थे, बराबरी से उनसे बात करते थे। कभी आज तक मैंने कभी उनको किसी वर्कर को डांटते हुए नहीं देखा। और अक्सर ऋषि कपूर उन्हें डांट देते थे सेट पर सबके सामने, लेकिन सर झुकाकर वो उनकी डांट सुनते थे। लेकिन कभी उन्होंने एक आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह कभी उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो ये संस्कार थे राज साहब के। राज साहब हमेशा ये चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं पहले स्टार बनने से पहले वो एक साधारण जीवन जिए। उसने साधारण जीवन जिया। और जब हम आउटडोर जाते थे तो वर्कर्स के साथ रहता था वो, हम लोगों के साथ रहता था। और आउटडोर हम जाते थे तो 24 घंटे का हमारा साथ था। नाश्ता साथ करते थे, लंच साथ करते थे, डिनर साथ करते थे। कहीं ना कहीं एक अकेलापन था उनके जीवन में। तकदीर ने उनका साथ दिया, तकदीर ने उनका साथ दिया। देखिए, उनकी फिल्में नहीं चली, एक अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने प्रेम ग्रंथ, अच्छी फिल्म होने के बावजूद नहीं चली। उसके बाद उन्होंने एक सीरियल बनाया DD2 के लिए, वो नहीं चला। और फिर पारिवारिक जीवन भी जो है, वैवाहिक जीवन भी उनका नहीं चला। तो कई बार तकदीर इंसान का साथ नहीं देती है। अच्छा एक्टर होने के बावजूद उनसे कम अच्छे एक्टर जिंदगी में आगे निकल गए, उनकी फिल्में चली, उनकी फिल्मों के गीत चले। तो तकदीर ने कभी राजीव कपूर का साथ नहीं दिया। और मैं ये कहूँगा कि अकेलापन था, लेकिन कभी कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई बिटरनेस नहीं थी। जब भी मिलते थे बहुत गर्मजोशी के साथ। शाम को राजीव की अंतिम यात्रा निकली, जिसमें रणबीर कपूर और अरमान जैन को अपने अंकल को कंधा देते हुए देखा गया। राजीव का अंतिम संस्कार उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया। पिछले साल अप्रैल में ऋषि कपूर का निधन हो गया था। राजीव के निधन की सूचना नीतू कपूर ने अपने इंस्टा अकाउंट से साझा की थी। राजीव का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। उन्हें अस्पताल ले गए, चिकित्सकों ने काफी कोशिश की मगर बचा नहीं सके। INS रिपोर्ट।